तो दोस्तों मेरा नाम शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB पोस्ट कोड 40/20 की जो कट ऑफ आई है उसके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। कल लीजिए यहाँ पे मार्क्स आ गए तो मैंने आपको बता दिया था कि आज 5:30 या 6 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कट ऑफ आ जाएगी। पर 5:30 6 बजे तक तो नहीं, पर उस मतलब कल ही आ गई थी पर काफ़ी लेट आई थी, ठीक है। तो मैंने भी इसे रात को देखा था, ठीक है, 10 बजे के आसपास, 10 10:30 के आसपास मैंने इसे देखा था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हो अब क्या है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट कोड 40/20 में यहाँ पर कट ऑफ की बात करें अगर हम, ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं कितनी गई है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी थी, OBC में 1 थी और PH में भी यहाँ पे 1 वैकेंसी थी। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कितने हुए हैं, जनरल कैटेगरी में 71 बच्चे हुए हैं जिसमें से 21 दिल्ली के हैं, अभी वो 21 OBC के हैं, बताता हूँ भी क्या है, ठीक है। उसके बाद OBC में देख लेते हैं, टोटल यहाँ पे 35 कैंडिडेट है और यहाँ पे PH में यहाँ पे आपके 15 कैंडिडेट है। मेरिट कितनी गई है, 200 में से 140.5 जनरल है, OBC 138.18 है, PH यहाँ पे 99.23 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 21 वाला क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट नंबर 7वां, तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स अबव और इक्वल टू द लास्ट शॉर्ट लिस्टेड यू आर कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड इन यू आर कैटेगरी एंड देयर सिलेक्शन टू बी पोस्ट शैल बी कंसिडर्ड इन यू आर सब। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट, कोई कैटेगरी का बंदा जनरल से ऊपर नंबर ले आता तो वो जनरल में शिफ्ट कर दिया था, सेम यहाँ पे, यानी कि जितने भी OBC वाले कैंडिडेट हैं सबके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे जनरल में कंसिडर किए गए हैं, 140 पॉइंट, मतलब इनके सारे 140 से ऊपर हैं, तो इस वजह से इन्हें यहाँ पे जनरल में कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी स्किल टेस्ट की इन्होंने बताई है, अभी कोई भी इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो बोर्ड की तरफ से एक सेपरेट एक नोटिस आएगा कि कब का स्किल टेस्ट है, क्या, मतलब सारी डिटेल उसमें वो बता देंगे। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, जिस जिसका क्वालिफाइड हो गया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना ताकि मैं आपके लिए स्किल टेस्ट की एक अलग से वीडियो बना सकूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।